दोस्तों आज हमारे पास है बजाज की पल्सर RS 200 जो कि वाइट कलर के साथ में आती है, देखने में काफ़ी गजब की है। और मैं आपको बता दूं यही बाइक आपको 2022 में मिलने वाले, काफ़ी रूमर्स तो निकल के आ रहे हैं, नया वर्जन आ रहा है लेकिन वो आने में भी टाइम है। तो इस बाइक के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में। पहले मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस पहले के कंपेरिजन में बढ़ गई, इसकी आपको एक्स शोरूम प्राइस अभी पड़ने वाली है 1,67,635 रुपये और आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी 2,01,239 रुपये। सो दोस्तों इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है पहले के कंपेरिजन में। और हम जान लेते हैं इस बाइक के बारे में डिटेल से। सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसकी विंडशील्ड पे, आपको छोटी सी विंडशील्ड मिलने वाली है और आपको टू स्टेप्स फोल्डेबल मिरर मिल जाते हैं जिसे आप टू टाइम फोल्ड कर सकते हो, यहाँ से भी यहाँ से भी। नंबर प्लेट आपका यहाँ पर लग जाएगा और ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो कि काफ़ी स्पोर्टी टच दे रहा है। और इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको मिलने वाला है हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट जिसमें आपको अच्छा खासा थ्रो मिल जाता है, साथ में DRL मिल जाता है, मुझे बहुत पसंद है। इंडिकेटर आपको LED मिल जाता है, DRL भी आपको LED मिल जाता है और ऐसा कुछ आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेगा साइड साइड में जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ये रहा आपका फ्रंट का व्यू। और मडगार्ड की बात करें यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश का टच मिल जाएगा जो कि काफ़ी स्पोर्टी फील दे रहा है। और इसकी हेडलाइट हम ऑन करके देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें बाइक को ऑन करना पड़ेगा। पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ, आपको कुछ ऐसी की मिल जाती है, यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी की पे और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये ऑन हो गया और यहाँ से भी स्टार्ट ही कर देता हूँ इस बाइक को और अभी हम सामने चल के देख लेते हैं। सो ये रहा इसका DRL ऑन होने के बाद, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये रहे इसके हैलोजन हेडलाइट और हाई बीम ऑन कर देते हैं। हाई बीम ऑन करेंगे तभी दोनों हेडलाइट आपकी ऑन होगी, काफ़ी अच्छा थ्रो आपको मिलने वाला है रात के समय में। और इंडिकेटर हम देख लेते हैं ऑन करके। सो ये रहा इसका इंडिकेटर, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। और अभी हम रियर में चलते हैं और टेल सेक्शन हम देख लेते हैं। ये तो मेरी सबसे फेवरेट है RS की टेल लाइट, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ये आपको LED मिल जाता है और कुछ क्रिस्टल वाला लुक इसमें दिया गया है, इंडिकेटर ऐसे कुछ दिखने वाला है। सो रियर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा इस बाइक का। और बाइक को सबसे पहले हम ऑफ कर देते हैं किल स्विच और यहाँ से भी, और आ जाते हैं अभी हम बाइक के फ्रंट में। सो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। और हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिल जाएगा टेलीस्कोपिक और रियर की बात करें, रियर में आपको मिलने वाला मोनो शॉक सस्पेंशन जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है। इसमें आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा राइडर एंड पिनियन राइडर को। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं, सबसे पहले हम इसके टायर की बात कर लेते हैं। आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, ब्रांड की बात करें तो आपको MRF का टायर मिलने वाला है। एंड टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला 100/80 का, रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा रियर का, रियर में आपको काफ़ी ज़्यादा वाइडर मिल जाता है फ्रंट की कंपेरिजन में। और रियर में आपको मिलता है ट्यूबलेस रेडियल टायर। रेडियल से में फ़ायदा ये होता है कि साइड साइड में सॉफ्ट होता है, इन बीच में हार्ड होता है। सॉफ्ट होने की वजह से बाइक को थोड़ा कॉर्निंग पे थोड़ा तिरछा होकर चलाते हैं तो सड़क को अच्छा खासा ये टायर ग्रिप प्रदान करता है जिससे सड़क को एकदम चिपक करके चलता है एंड स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक के लिए। और रियर टायर साइज की बात करें तो आपको मिलने वाला 130/70। व्हील की बात करें तो आपको व्हाइट कलर के अलॉय व्हील मिल जाएंगे जिनके ऊपर आपको ऐसा स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा रेड कलर का जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैच भी कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आपको रेड कलर टैंक भी आपको आगे रेड कलर मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको रेड कलर। और व्हील साइज की बात करें तो आपको फ्रंट एंड रियर में सेम ही मिलने वाले 17 इंच। ब्रेक की बात करें तो आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाएगा, रियर में भी आपको डिस्क मिलने वाला है। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको मिलने वाला है डुअल चैनल ABS। सो इस बाइक में आपका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा होने वाला है, पिन टू पिन ब्रेक लगने वाला है। ABS की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर, ये आपका ब्रेक कैलिपर जो कि बाइब्रेक है, एक अच्छा ब्रांड होता है ये। सो इधर से ये व्हील कुछ ऐसे दिखने वाला है। यहाँ पे आपका मिल जाता है अंदर की तरफ कैटलेटिक कन्वर्टर, ये आपका हॉर्न और अंदर ही आपका रेडिएटर है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला है लिक्विड कूल जो कि एक अच्छा कूलिंग सिस्टम होता है, इसकी वजह से जो कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, साथ में जो हीटिंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे आपको 200 की ब्रांडिंग मिल जाएगी और ऐसा कुछ डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी स्पोर्टी फील देता है और ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये रहा इसका इंजन कवर, आपको सिंपल सा ब्लैक मैट फिनिश में मिलने वाला है। और ये रहा इस बाइक का इंजन जो कि फुली कवर है क्योंकि ये फुल फेयरिंग बाइक है तो इसके ज़्यादा पार्ट नहीं दिखने वाले हैं। और ये रहा इसका चेचिस जो कि मेटल वर्क के साथ में है और ये व्हाइट कलर के साथ में आते हैं। यहाँ पे आपको ये लेग पैड मिल जाएगा ताकि जब आप, ये एक्चुअली मेटल का है ना तो गर्मी के टाइम पर ये गर्म हो जाता है, तब आपके पैर यहाँ पर छुए तो वो जले ना और आपको पेन भी ना हो। और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ टेक्सचर मिल जाता है, ये काफ़ी प्रीमियम लुक ऐड कर रहा है ऐसा कुछ डिज़ाइन। और यहाँ पे भी आपको ये आपका मिल जाता है टैंक पैड जो कि काफ़ी अच्छा एंड यूजफुल है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। नेट जैसी यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाएगी। सो ये रहा आपका ब्रेक पैड, राइडर फुटरेस्ट, ये रहा आपका एग्जॉस्ट, इसका साउंड बहुत ही मज़ेदार है, इसका साउंड मैं स्टार्ट या एंड में आपको सुना दूंगा। और ये रहा आपका पिलियर, राइडर फुटरेस्ट। सीट कॉल की बात करें तो यहाँ पे आपको
RS200 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एज अ गैब्रियल आप इस स्पेस को यूज कर सकते हो। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है और पल्सर यहाँ पे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ 3D में टैंक पे। और ये रहा इसका टैंक आउल, आप देख ही सकते हो। टैंक की बात करें तो आपको फाइबर वर्क के साथ में आता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इस बाइक को राइट साइड से हम देख लेते हैं। सो राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है और इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इधर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। और ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और अभी हम जान लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। इसके इंजन की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला 199.5 cc का इंजन, जिसकी पावर आपको मिल जाती है 24.5 PS एट 9750 RPM पे। और आपको टॉर्क मिल जाएगा 18.7 Nm एट 8000 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, फोर वॉल्व, लिक्विड कूल, FI और साथ में आपको मिल जाता है 6-speed गियरबॉक्स। इस बाइक के इंजन की वजह से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, अच्छा खासा पिकअप एंड टॉप स्पीड मिल जाता है। और अभी हम चलते हैं इसके रियर वाले सेक्शन पे और टेल सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसके रियर में दिखने वाली इसकी टेल लाइट, जो कि आपको LED मिल जाती है, इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाते हैं। सो ये रहा इसका रियर का व्यू। और अभी हम चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आपको RS200 की ब्रांडिंग मिल जाएगी सीट काउल पर, जैसे हमने उधर देखा था। और एक सारी गार्ड मिल जाएगा यहाँ पर। ये रहे इसकी चैन ड्राइव, पिलियन राइडर फुटरेस। ये रहा आपका गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 6-speed गियर बॉक्स मिलने वाला, पहला आपका नीचे लगेगा, बाकी के 5 ऊपर लगने वाला। साइड स्टैंड डुअल स्टैंड आपको नहीं मिलता है इसमें, आपको मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। और इधर से इंजन कुछ ऐसे दिखेगा एंड सेम डिजाइन जैसे हमने उधर देखा था, इधर भी आपको सेम ही टेक्सचर मिल जाते हैं जैसे आप लोगों ने उधर देखा था, पल्सर की ब्रांडिंग। और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी हम इस बाइक का लेफ्ट साइड का फुल व्यू देख लेते हैं। सो ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोग कैसे लगी। और भी बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट कम्फर्ट, फ्यूल टैंक एंड मीटर कंसोल के बारे में। सो आपको इस बाइक में काफ़ी स्पोर्टी टच के साथ में आने वाली है स्प्लिट सीट, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाली है। कम्फर्ट आपको अच्छा मिल जाता है, राइडर को अच्छा मिलने वाला है, पिलियन राइडर को ओके टाइप का मिल जाएगा। और एज अ गैब्रियल आप इस स्पेस को यूज कर सकते हो। इस बाइक को आप सिटी एंड हाईवे कहीं भी आराम से चला सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी हैवी वेट की वजह से। और इस सीट की कुशनिंग की बात करें तो आपको ओके टाइप का मिल जाएगा, मतलब ठीक ठाक आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाएगा, जब आप रेस ट्रैक पर अच्छी खासी स्पीड आपको मिले एंड आप झुक के चलाओ ताकि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिले, इसलिए दे दिया गया है। और ये रहा इसका टैंक, जो कि इस बाइक की हाईलाइट है। आपको फ्यूल टैंक इसमें मिल जाता है 30 लीटर का। इसकी माइलेज मेरे हिसाब से मिलने वाली है 30 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। पल्सर आपको दोनों तरफ लिखा हुआ मिल जाएगा 3D में, जो कि सबको पसंद आता है। और हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। सो इसमें आपको मिल जाता है सेम ही डिजिटल मीटर कंसोल। अगर यहाँ पे अपडेट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे N250 में आया मीटर कंसोल, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे आपका RPM शो करेगा, फ्यूल स्पीड, या आपका टाइम बताएगा, ओडोमीटर और अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और साइड साइड में आप देख सकते हो तो आपको कार्बन फाइबर फिनिश कटर्स दिया गया है, जो कि थोड़ा मतलब प्रीमियम फील दे रहा है। यहाँ पे आपका RPM लिमिट इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पे आपका सेट रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और हम बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार की, आपका थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच। और आपको इसमें स्प्लिट रेसिंग हैंडल बार मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी स्पोर्टी बना देते हैं, साथ में आपके परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस कर देंगे। और इधर की बात करें कि आपका अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न, या आपका पासिंग लाइट, ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। अभी हम इस बाइक के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसकी विड्थ आपको मिलने वाली है 765 mm और इसकी हाइट आपको मिल जाएगी 1114 mm और इसकी लेंथ है 1999 mm। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है 30 लीटर की। व्हील बेस है 1345 mm और इस बाइक का वेट आपको मिलने वाला 166 kg। कलर ऑप्शन की बात की तो ये बाइक 3 कलर ऑप्शन में आती है। पहला आपको व्हाइट मिल जाएगी, दूसरा आपको मिलने वाली है ग्रे, तीसरा आपको मिल जाएगी रेड। 3 कलर ऑप्शन अभी आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हो एक बजट फैनली 200 cc की फुल फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक, सो आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसकी तरफ आसानी से जा सकते हो। इसमें आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, साथ में आपको टॉप स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी, साथ में लुक तो आपको अच्छा मिलता ही है। सो आप इस बाइक की तरफ आसानी से जा सकते हो, साथ में इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताओ किसकी ये बाइक फेवरेट है, कौन कौन लेना चाहता है, किसके पास है, किसने ये बाइक चलाई, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।